नमस्कार दोस्तों, बोल्ड स्काई में आप सभी का स्वागत है। सर्दियों में लोगों को स्किन से जुड़ी कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, खास करके ड्राई स्किन, हाइड्रेशन की कमी और मॉइस्चराइजेशन की कमी के कारण। इन रीजंस की वजह से स्किन में खुजली, रैशेस जैसी चीज़ें बढ़ने लगती हैं। अक्सर लोग इनसे बचे रहने के लिए घरेलू नुस्खे अपनाते हैं, जिनमें से एक है मुल्तानी मिट्टी। पर क्या मुल्तानी मिट्टी विंटर्स में भी लगा सकते हैं, विंटर्स में इसका यूज़ कर सकते हैं? क्या ये उतना ही फायदेमंद है जितना कि गर्मियों में? दरअसल सर्दियों में मुल्तानी मिट्टी के इस्तेमाल से कई लोगों को परेशानियां बढ़ सकती हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप विंटर्स में मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल कैसे करते हैं। जी हाँ, मुल्तानी मिट्टी का यूज़ कर सकते हैं विंटर्स में, लेकिन सही टेक्निक पता होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आप ठंडियों में मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। सर्दियों में मुल्तानी मिट्टी को कभी भी सीधे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसके बजाय आप कुछ चीज़ों में मिलाकर इसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बादाम का दूध या तेल के साथ, गुलाब जल के साथ, नारियल के पानी के साथ, शहद के साथ मिलाकर ये लगाया जा सकता है। ये किन लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है? ऑयली स्किन के लिए। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप अपने फेस पर ठंडियों में भी मुल्तानी मिट्टी लगा सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, मुल्तानी मिट्टी में एक चम्मच गुलाब जल मिलाएं और इसका अच्छी तरह से पेस्ट तैयार कर लें। अब इसे अपने चेहरे पर लगाएं, धीरे से कुछ मिनट के लिए मालिश करें, फिर इसे पूरी तरह से सूखने दें, गुनगुने पानी से धो लें। इस फेस पैक का इस्तेमाल आप हफ्ते में दो बार से ज़्यादा ना करें, लेकिन इसके बाद अपने स्किन को मॉइस्चराइज करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए चैनल से जुड़े रहें। बोल्ड स्काई को सब्सक्राइब करना ना भूलें।